Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We had to select the right option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is P contain diadelphous stamens. तो ये तो सही दिया हुआ है. P जो होता है हमें पता है, it belongs to family leguminosae. So leguminosae family जो है इसमें belong करता है. और leguminosae family की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होगा, इनके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे stamen जो है दो के बंडल में प्रेजेंट है, टू बंडल्स, दो के बंडल में स्टैमेन प्रेजेंट है और दो के बंडल में होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस स्टैमेन. ये जो डाई एडल्फस स्टैमेन है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो है एक बंडल में क्या होगा, यहाँ पे नाइन होंगे और दूसरे बंडल में अगर हम देखें यहाँ पे सिंगल एक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इधर वाले में एक है. तो यहाँ फिलामेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे फिलामेंट फ्यूज होगा और ऐसा अंतर जो है फ्री है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन. सो नाइन प्लस वन के मैनर में अगर हम देखें यहाँ पे जो है स्टैमेंस प्रेजेंट है दो के बंडल में. सो ये कैसा कंडीशन है, डायडल्फस कंडीशन है यहाँ पे. तो ये तो सही दिया हुआ है कि पहला क्या है कि पी जो है उसमें कैसा होता है, डायडल्फस स्टैमेंस होता है, सही है. रीजन क्या है, टू स्टैमेंस इन टोटल आर प्रेजेंट, ये गलत है. यहाँ पे दो स्टैमेन नहीं, दो के बंडल में टोटल टेन स्टैमेन है जिसमें नाइन प्लस वन के मैनर प्रेजेंट है. तो ये तो गलत हुआ. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन, तो ये तो गलत है क्योंकि रीजन तो फॉल्स ही है. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ये भी गलत है क्योंकि रीजन तो फॉल्स है. इफ असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, सही दिया, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है. इफ असर्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट बट रीजन इज ट्रू, गलत दिया हुआ है, असर्शन जो है फॉल्स नहीं है, ट्रू है एंड रीजन जो है ट्रू नहीं है, फॉल्स है. सो करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड वन, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.